देखिए जो जी एस घुर्रे का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये इतना स्ट्रॉन्ग और एफिशेंट है इतना इम्पॉर्टेंट है फॉर द इंडियन सोशॉलॉजी कि ही इज़ एक्लेम्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी ही वॉज़ बॉर्न ऑन ट्वेल्थ ऑफ दिसंबर एटीन नाइन्टी थ्री इन मलवन जो कि एक स्मॉल टाउन है इन द सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र दे उन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है और अपना कॉलेज जो है मास्टर्स और बी ए की जो डिग्री है उन्होंने अपनी बॉम्बे से हासिल की थी तब देन विद स्कॉलरशिप ही वेंट टू द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फॉर पी एच डी ही डाइड ऑन ट्वेंटी इन बॉम्बे देखिए जी एस गुर्रे वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी जिनका जो काम है दैट मेजरली फोकस्ड अपॉन द इंडोलॉजिकल अप्रोच उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि इंडोलॉजी का मतलब क्या होता है देखिए इंडोलॉजी इट्स अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड आउटलाइन ये क्लेम करती है इंडोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्लेम करते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी है मस्ट बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू द थियोरीज एंड फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन सोसाइटी उनका मानना है कि जो इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है अगर आपको चाहिए कि आप इफेक्टिवली अंडरस्टैंड कर पाओ इंडियन सोसाइटी को उसके कल्चर को उसके ट्रेडिशन को तो आप हेल्प ले सकते हो सेवरल रिलीजियस टेक्ट्स लाइक रामायणा महाभारत वेद एट्सेट्रा जी एस गुर्रे ही जॉइन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी इन यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर देखिए ऑल ओ द डिपार्टमेंट वॉज ऑलरेडी सेटअप बाय द पैटगरीज इन ऑन नाइनटीन नाइनटीन लेकिन उस समय जो डिपार्टमेंट है वो इतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा था फ्लरिश नहीं कर पा रहा था बट लेटली जब जी एस गुर्रे इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर ही जॉइन द डिपार्टमेंट ही रिवाइव्ड एंड रीशेप्ड इट जी एस घुर्रे ही फाउंडेड द इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी 1952 एंड उसका जो एक बाय एनुअल जर्नरल होता है वो भी स्टार्ट किया उसका नाम था सोशलॉजिकल बुलेटिन ठीक है विद मैनी अदर सोशोलॉजिस्ट क्योंकि जी एस घुर्रे उनके काफी स्टूडेंट्स लाए हैं उन लोगों ने भी जी एस घुर्रे के साथ मिलके दे एक्सप्लोर द हिंदू सोशल इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू द रिलीजियस टेक्स्ट एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिस अगर हम जी एस घुर्रे की वर्क को करैक्टराइज uh, करें तो उनको जो वर्क है मेजरली फोकस्ड ऑन दी कास्ट सिस्टम ट्राइब्स मैरिजेस, फैमिली किनशिप ऑन रिलीजन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ऑन सोशल टेंशन देखिए अब हम इन पार्ट्स को धीरे धीरे एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन कास्ट सिस्टम जी एस ही एनालाइज द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ़ द कास्ट सिस्टम यूजिंग टेक्चुअल डेटा देखिए जी एस ने कि कास्ट सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ क्यों उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है इन द इंडियन सोसाइटी कैसे कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी का इतना इंडिस्पेंसिबल पार्ट है क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है कैसे लोगों को डिफरेंट uh, स्टेटस के बाद में आपने डिफ़ाइन किया गया है कास्ट सिस्टम होता क्या है यहाँ पे बेसिकली ही डिफ़ाइन की कास्ट सिस्टम इज़ मेजरली जो डिफरेंट कास्ट हैं वो फोर टाइप्स की हैं ब्राह्मीण क्षत्रिया वैश्य शूद्राज किस तरीके का उनका जो है इंटरेक्शन है वो सब उन्होंने अपने जो है अपने वर्किंग कॉन्ट्रीब्यूशनस में मैंशन किया है उनकी एक बुक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया वो अपने आप में एक फाइनेस्ट पीस है ऑफ इज वर्क सेकेंड जो उनका वर्क राइट्स अबाउट द ट्राइब्स उन्होंने एक बुक लिखी दस शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है जी एस गुरे ही बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स जो हैं दे आर दे हैव बीन हिंदुआइज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट विद हिंदूज मतलब जो ये भी जो ट्राइब्स हैं इन्होंने इतना ज़्यादा इनका कॉन्टेक्ट हो चुका है विद द हिंदू सोशल सिस्टम कि जो इनका कल्चर है वो हिंदू कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है ही इवन सेट द ट्राइब्स वर ओरिजिनली द हिंदूज उनका ये भी माना था कि जो ये जो ट्राइब्स हैं ये पहले हिंदूज ही थी हु लॉस्ट सम हाउ दे लॉस द कॉन्टैक्ट विद दी पेरेंट बॉडी जीएस गुरु ने ही क्रिटिसाइज द यूसेज ऑफ द टर्म आदिवासी फॉर द ट्राइब्स उनका माना दे आर नॉट आदिवासी दे आर जस्ट द बैकवर्ड हिंदूज देन ही टॉक्ट अबाउट द फैमिली मैरिजेज इंटर्नशिप यह भी उन्होंने अपने वर्ग में एक्सप्लेन किया है ही एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ मैरिजेस मैरिज कितनी टाइप्स की होती हैं जो जो इंडियन सोसाइटी में पाई जाती हैं फैमिली किस किस तरीके की होती है हु इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली फैमिली सेटअप कैसा है फैमिली के फंक्शंस कैसे हैं रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे उसके फैमिली में रहने वाले लोगों को उनके मेम्बर्स को असाइन की गई हैं वो सब उन्होंने अपने जो है वर्क में एक्सप्लेन किया है हिज वर्क इंक्लूड्स एलिमेंट्स लाइक एक्जोगैमी एंडोगेमी गोत्र एसेट्रा ये भी उन्होंने अपने काम में मैंशन किए हैं अकॉर्डिंग टू हिम उनका मानना है कल्चर कॉन्स्टिट्यूट्स द कोर एलिमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग दी सोसाइटी उनका मानना है कि अगर सोसाइटी को समझना चाहते हो तो उसका जो कोर एलिमेंट है उसका फंडामेंटल एलिमेंट है यानी कि उसका कल्चर क्योंकि कल्चर इज़ द वे ऑफ लिविंग कैसे एक सोसाइटी रहती है कैसे एक सोसाइटी का कॉम्पोजिशन है कैसे वो फंक्शन करती है वो सब उसका कल्चर जो है वो शो करता है तो उनका मानना था कि कल्चर जो है कल्चर कॉन्स्टिट्यूट्स द कोर एलिमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग दी सोसाइटी नेक्स्ट जो उनका वर्क है इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ उनका मानना था कि जो रिलीजन है इज़ अ सेंटर ऑफ टोटल कल्चरल हेरिटेज ऑफ मैन ही इवन टॉक अबाउट द रिलीजियस कॉन्शियसनेस यहाँ पर उन्होंने काफ़ी जो गॉड हेड्स हैं जैसे उनकी बात की है कि क्या क्यों लोग उनको वर्शिप करते हैं कैसे वो लोगों की फंक्शंस को उनके बिहेवियर को बिलीव्स को आइडियाज़ को इफ़ेक्ट करते हैं वो सब उन्होंने अपने वर्कस में एक्सप्लेन किया हुआ है उनके जो फेमस वर्क्स हैं लाइक गॉड्स एंड मैन इंडियन साधूज रिलीजियस कॉन्शियसनेस ये उनके मेजर वर्क्स हैं रिगार्डिंग द रिगार्डिंग द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया उनका वर्क है उन्होंने सोशल टेंशन पे भी अपना जो है रिसर्च वर्क किया था ही टॉक्ड अबाउट द नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया उनका माना था कि जो इंडिया की नेशनल यूनिटी है उसको चैलेंजेस हैं मॉडर्न टाइम में वो चैलेंजेस हैं थ्रू शेड्यूल्ड ट्राइब्स थ्रू शेड्यूल्ड कास्ट थ्रू शेड्यूल्ड क्लासेज मुस्लिम्स एज रि एज रिलीजियस माइनॉरिटीज़ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ उनका मानना है कि ये जो पाँच एलिमेंट्स हैं ये आने वाले टाइम में मॉडर्न इंडिया के लिए थ्रेट साबित हो सकते हैं क्योंकि जैसे सोसाइटी सिम्पल से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ेगी क्योंकि इन सोसाइटी बहुत डाइवर्स है तो कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो इसका इनएविटेबल पार्ट है कॉन्फ्लिक्ट को आप सोसाइटी से रिमूव नहीं कर सकते तो उनका मानता है कि जै जैसे इंप्रूवमेंट होगा सोसाइटी ग्रो करेगी कॉम्प्लेक्स होगी वैसे वैसे सोसाइटी के सामने चैलेंजेस आते जाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स आते जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे रिगार्डिंग द ईशूज फॉर द शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल क्लासेज मुस्लिम्स एंड अदर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जी एस गुरे ही एनालाइज नॉट ओनली पास्ट बट ऑल्सो द प्रजेंटेंशन उन्होंने जो स्टडी है वो सिर्फ इंडियन हिस्ट्री इंडियन सोशल हिस्ट्री की नहीं इंडिया की प्रेजेंट सिचुएशन और आने वाली फ्यूचर कंडीशन को भी अपने वर्क में इंपॉर्टेंस uh, दी है उन्होंने माना है कि इंडियन सोसाइटी को अगर स्टडी करना है तो उसकी स्टडी फुली इंडियनाइज्ड होनी चाहिए मतलब जो एलिमेंट्स हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो ट्रूली इंडियन होने चाहिए वो इंडियन सोशल सेटअप पे फिट होने चाहिए जो इंडियन सोसाइटी आज के टाइम पे फ्लरिश कर पाई है इंडियन सोशोलॉजी जो आज के टाइम पर फ्लरिश कर पाई है वो उनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशनस की वजह से ही है और उनका जो पार्ट है उसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है अबाउट द गोविंद द शिव घुर एंड जो उनके वर्क्स का मेजर जो क्राइटेरिया रहा है जो आइडिया रहा है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी जब आप uh, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आप जाओगे और प्रिपेयर कर रहे होंगे सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो